तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जी टेक प्रो हिंद में। तो इस वीडियो पे मैं जो है आपको कुछ टॉप 5 स्मार्ट वॉचेस दिखाऊंगा जो कि 3,500 के अंदर जो है अमेजोन एज वेल एज फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, जो कि बिना सेल के आप बाई कर सकते हैं। इनमें कुछ स्मार्ट वॉचेस है जो कि एमोलेड प्लस ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ आ जाते हैं, कुछ स्मार्ट वॉचेस ऐसे हैं जो कि इनबिल्ट GPS के साथ भी आ जाते हैं, और कुछ स्मार्ट वॉचेस ऐसे हैं जिसमें आपको 5 PTM वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग और तरह तरह के फीचर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सारा डिटेल्स जो है मिल सके। और एक चीज मैं बता दूं, टॉप 5 स्मार्ट वॉचेस में जितने भी मतलब इस लिस्ट में जितने भी स्मार्ट वॉचेस है वो सारे स्मार्ट वॉचेस मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस वीडियो पे मैं उनका वीडियो क्लिप यूज नहीं कर पाया। अगर इंटरनेट से ढूंढ के उनका वीडियो क्लिप वगैरह यूज करता तो ऑब्वियसली कॉपीराइट का इशू आ जाता, इसलिए मैंने इस वीडियो पे जो है अदर स्मार्ट वॉचेस का जो है वीडियोस वगैरह लिया है ताकि ये वीडियो का थोड़ा लेंथ जो है मेंटेन रह सके। तो ये मत सोचना ये वीडियो जो है अच्छे से एडिट नहीं हुआ या फिर मैं आपको मिसलीड कर रहा हूं। तो ऑब्वियसली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली इस वीडियो को जो है स्टार्ट कर देते हैं। तो फिलहाल इस लिस्ट को मैं जो है 5th नंबर वाले स्मार्ट वॉच से स्टार्ट कर देता हूँ। तो 5th नंबर पे मैंने जो है रियलमी वॉच 2 प्रो को रखा है। इसको इसलिए रखा है क्योंकि हालांकि आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना वॉच है, पुराने वॉच होने के बावजूद भी 3,500 के अंदर ये इकलौता वॉच है जो कि आपको इनबिल्ट GPS का सपोर्ट दे देता है, जो कि एक्टिविटी ट्रैकिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। तो जो फिटनेस एंथुजियास्ट है इसको बिल्कुल जो है बाय कर सकते हैं। बाकी इसमें 1.75 इंच का एक IPS पैनल दिया गया है जिसका क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, रेजोल्यूशन वगैरह अच्छा है, सेंसर क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छा है, IP68 का वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग मिल जाता है जो कि बेहतरीन है। तो ऑब्वियसली इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन एक चीज इसमें है, इसमें आपको मेटलिक बिल्ड नहीं प्लास्टिक का बिल्ड देखने को मिल जाता है, तो वो चीज थोड़ा आपको जो है ध्यान पे रखना है। बाकी इस प्राइस रेंज पे अगर आपको 5 PTM वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग वाला स्मार्ट वॉच चाहिए तो ऑब्वियसली Amazfit का Bip 3 जो है Amazon पे सिर्फ जो है 3,500 का बिक रहा है, तो ऑब्वियसली उसे जाके आप बाय कर सकते हैं। लेकिन वो चीज उसमें भी है, मतलब उसमें पॉलीकार्बोनेट बॉडी है एंड उसका डिस्प्ले थोड़ा सा छोटा है, तो वो मतलब जो स्लिम रिस्ट वाले आदमी हैं उनको उनके लिए भी बहुत ही अच्छा स्मार्ट वॉच निकल के आ जाएगा, लेकिन उसमें ना ही एमोलेड डिस्प्ले है ना ही ब्लूटूथ कॉलिंग, तो वो भी थोड़ा आपको ध्यान पर रखना है। तो फिलहाल 4th नंबर पे मैंने एक खतरनाक जो है राउंड डायल वाला स्मार्ट वॉच रखा है जिसका नाम है क्रॉसबिट ऑर्बिट। ये एक ऐसा राउंड डायल स्मार्ट वॉच है जो कि आपको लुक बहुत ही ज्यादा प्रीमियम दे देगा, क्योंकि इसमें जो है लेदर जैसा दिखने वाला स्ट्रैप्स आपको देखने को मिल जाता है और एक मेटलिक बिल्ड देखने को मिल जाता है, तो लुक वाइज एंड जो है फील वाइज बहुत ही ज्यादा प्रीमियम होने वाला है। इसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 550 निट्स का ब्राइटनेस इसके डिस्प्ले में आपको देखने को मिल जाता है, तो आउटडोर विजिबिलिटी बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है। लेकिन एक चीज आपको यह भी ध्यान रखना है, इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं दिया गया, तो यह भी एक तगड़ा स्मार्ट वॉच निकल के आ जाता है, आप बिल्कुल इसे जो है अमेज़न से बाय कर सकते हैं। तो फिलहाल 3rd नंबर पर आ जाते हैं। तो 3rd नंबर पर मैंने रियलमी वॉच 3 को रखा है क्योंकि इसमें जो है आपको जो डिस्प्ले देखने को मिल जाता है वो हालांकि एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा डिस्प्ले इसी में ही देखने को मिल जाता है 1.8 इंच का, जिसमें आपको 500 निट्स का ब्राइटनेस दिया गया है, तो आउटडोर विजिबिलिटी भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। सबसे बढ़िया चीज इसके बारे में यह है कि इसका जो ब्लूटूथ कॉलिंग का क्वालिटी है ना वो सबसे बेस्ट है इस लिस्ट में जितने भी स्मार्ट वॉचेस है। ठीक है, तो आप अगर आपको रियलमी जैसे ब्रांड का स्मार्ट वॉच चाहिए प्लस जो है ब्लूटूथ कॉलिंग वगैरह चाहिए तो ऑब्वियसली बाय कर सकते हैं, एंड सेंसर क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, IP68 वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग दिया गया है, तो ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट पे जाके आप इसे जो है बाय कर सकते हैं सिर्फ जो है 3,500 का। बाकी अभी टॉप 2 स्मार्ट वॉचेस पे आ जाते हैं। तो 2nd नंबर पे मैंने क्रॉसबिट इग्नाइट ग्रेनेड को रखा है। तो ये मेरे लिस्ट का सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच निकल के आ जाता है क्योंकि इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले दिया गया 1.75 इंच का, और ये कोई ऐसा वैसा एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, इसमें आपको 60Hz रिफ्रेश रेट का जो है सपोर्ट देखने को मिल जाता है, इसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग वगैरह देखने को मिल जाता है, एंड जो ओवरऑल बॉडी है वो भी मेटलिक है, 200 प्लस जो है वॉच फेसेस वगैरह देखने को मिल जाते हैं, SpO2 हार्ट रेट वगैरह सब कुछ मिल जाता है, एंड बिल्ड क्वालिटी वगैरह बेहतरीन है, तो ऑब्वियसली इसे आप बाय कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच 3,500 के अंदर निकल। फिलहाल पहले नंबर वाले स्मार्ट वॉचेस पे आ जाते हैं। तो पहले नंबर पे मैंने बोट एक्सटेंड प्रो को रखा है। एक्चुअली बोट एक्सटेंड प्रो का 2 स्मार्ट वॉचेस आता है, 2 वर्जन आता है एक्चुअली, एक जो है एमोलेड डिस्प्ले वाला, दूसरा जो है एमोलेड डिस्प्ले प्लस ब्लूटूथ कॉलिंग वाला। तो ऑब्वियसली मैं एमोलेड डिस्प्ले प्लस ब्लूटूथ कॉलिंग वाला का बात कर रहा हूं। तो उसमें आपको 1.78 इंच का एक एमोलेड पैनल दिया गया जिसका क्वालिटी बहुत ज्यादा बेहतरीन निकल के आ जाता है, IP68 का वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग मिल जाता है, एंड ऑब्वियसली आपको SpO2 हार्ट रेट सेंसर सारा कुछ चीज जो है नॉर्मल चीज मिल जाता है। उसके साथ ही
आपको जो है ब्लूटूथ कॉलिंग का भी फीचर दिया गया है। एंड उसके साथ और एक मज़ेदार चीज़ मिल जाता है जो कि है AI वॉइस असिस्टेंट, उसका भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। एंड एक वर्जन उसमें ऐसा है जिसमें आपको जो है मेटलिक स्ट्रैप्स भी देखने को मिल जाते हैं एट सेम प्राइस। तो अगर आप उसे उस वो आपको अगर अमेजोन पे अवेलेबल देखने को मिल जाता है तो ऑब्वियसली उसे बाय कीजिएगा, वो थोड़ा ज़्यादा जो है वैल्यू फॉर मनी निकल के आ जाता है। ये थे कुछ स्मार्ट वॉचेस जो कि 3,500 के अंदर अवेलेबल है अमेजोन एज वेल एज फ्लिपकार्ट पे। तो सारे स्मार्ट वॉचेस का बाइंग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे है, उधर जाके आप जल्द से जल्द जाके जो है बाई कर सकते हैं। ये सारे स्मार्ट वॉचेस जो है वैल्यू फॉर मनी है एंड 3,500 के अंदर अभी सेल आउट हो रहे हैं। जैसे कि ये वीडियो को मैं जो है 31 अक्टूबर को जो है शूट कर रहा हूँ, तो 31 अक्टूबर पर मैंने सारा वेबसाइट्स वगैरह चेक कर लिया, यही प्राइस पे सेल हो रहा है। लेकिन आगे जाके जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कंपनी गेम खेलती है, मतलब ये इन सब का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, कुछ दिनों के बाद जो है ये प्राइस इंक्रीज कर देते हैं तो ऑब्वियसली प्राइस इंक्रीज हो सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द जाके जो है बाइंग लिंक के ऊपर क्लिक करके जो है डायरेक्टली बाय कर लो, ताकि आपको उसी प्राइस में मिल सके। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ऑब्वियसली जो है सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।